नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी में अंसार अज़ीज़ नदवी एक बार फिर आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन ग्रामी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन ग्रामी, धोखाधड़ी किस तरह से दी जाती है हर एतबार से। हमने कुछ दिन पहले लुटेरी दुल्हन की कहानी सुनाई, ऑनलाइन किस तरह ब्लैकमेलिंग होती है, वीडियो कॉल्स के ज़रिए से किस तरह से आपकी चीज़ें जो है वो सेव करके उसको अंदर एडिट करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है, हो रहा है। अब तेलंगाना के ज़िला मुलुक के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह पानी डाला जा रहा है। आप कैसा महसूस करेंगे जब आप पेट्रोल के लिए, एक पहले तो महंगाई है 100 से ज्यादा एक लीटर पर या उस थोड़े बहुत फर्क के साथ, और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। गर्मी की शिद्दत में गुस्से की शिद्दत किस तरह काम करेगी आप अंदाज़ा लगाएं जब इस तरह का होगा। तफसीलात के मुताबिक ये है कि एक शख्स ने इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाया था। हम कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक अचानक रुक गई। जब शख्स ने बाइक में देखा तो उसको पेट्रोल की बजाय पानी नजर आया, जिसके बाद वो शख्स पेट्रोल पंप पर वापस पहुंचा। इस सिलसिले में जब उसने पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों से पूछा तो वो मुनासिब जवाब नहीं दे सके, जिस पर इस शख्स और दीगर गाड़ी सवारों ने पेट्रोल पंप पर एहतजाज दर्ज किया और पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द किया और पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। लेकिन इसकी सारी तफसीलात क्या हुआ, आगे कार्रवाई सामने नहीं आ रही। एक तो पेट्रोल की जगह पानी डालना, पानी अगर आप पेट्रोल की टैंकी में डालेंगे तो गाड़ी कहां से बचेगी, गाड़ी भी तो खराब होगी। ये इस तरह की जो है नाज़रीन गिरामी धोखाधड़ी यहां चल रही है। अभी मुंबई की आपको कहानी याद होगी, अभी परसों जिस पेट्रोल पंप में लोगों की जाने गई हैं, 14 जाने गई थी, अब 16 हो गई उसकी तादाद आज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक। और फिर उसके बाद उस पेट्रोल पंप के सिलसिले में आज ये तहकीक करने के बाद खबर आ रही है कि उसके पास इजाजत नामा ही नहीं था। गैर कानूनी तौर पर इतने सालों से हुकूमत को चूना लगाते हुए या फिर जो भी जो है प्राइवेट लिमिटेड के दायरे में आते, जाहिर सी बात है कि वो एक तिजारत है, वो प्राइवेट लिमिटेड के दायरे में आएगा, धोखा दे रहा था। जब ये हादिसा पेश आया तो उस पेट्रोल पंप की हकीकत सामने आई और यहां इस तरह की। अभी कुछ दिन पहले एक और इलाके से खबर आई थी, वो आपको दिखाना हमने छोड़ दिया, जहां पर पेट्रोल को कुछ लोगों ने जो है पेट्रोल चोरी की जाती है, उसको पहले ही सेटअप कर दिया जाता है। हमको तो नजर आता है जब आप पेट्रोल के पंप पे जाएंगे और आप देखेंगे वहां पे जो स्क्रीन पर नजर आता है कि 100 रुपए के लिए आपको नीचे देखेंगे तो उसके लिए कितना पेट्रोल नीचे गया, ये भी लिख करके आता है, 1 लीटर गया, 1.5 लीटर गया या 1.2 गया या 1.20 या 30 गया। लेकिन ये पहले से सेटअप होता है, हकीकत में उतनी जा नहीं रही होती है, उसी तरह का सेटअप जिसके सिलसिले में ईवीएम के बारे में कहा जाता है कि हैक कर लिया जाता है। तो इस तरह की धोखाधड़ी होती है नाज़रीन ग्रामी, कभी कभी जांच लेना भी जरूरी है। सिर्फ ये समझ करके चलो यार 5 रुपया 6 रुपये के फर्क के साथ क्या फर्क पड़ने वाला है, हम लोग तो एक आदमी सोचेगा 5 और 6 रुपये, लेकिन दिन भर में एक पेट्रोल पंप में सैकड़ों हजारों लोग पेट्रोल भरते हैं, उस एतबार से उसको कितना मुनाफा हो रहा है, ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत होती है नाज़रीन ग्रामी। ये तेलंगाना के पेट्रोल पंप में आने के बाद उससे मुतालिक कुछ खबरें याद आई तो मैं आप लोगों के सामने रख दिया ताकि आप लोग चौकन्ना हो सके। नाज़रीन ग्रामी, भारत में जिस तरह के मैंने जराइम का तस्करा बारहा करता हूँ और इस वक्त इंटॉलरेंस की या फिर बर्दाश्त ना करने की जो सिफत लोगों में पाई जा रही है, बड़े बड़े शहरों में पार्किंग का बड़ा मसला होता है। ऐसी बात है कि रोड है, पार्किंग के लिए घर के सामने दूसरी गाड़ी कभी खड़ी की जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और बार बार की चीज़ें होती है तो फिर वो जानलेवा साबित होती है। दिल्ली के गुरुग्राम में घर के सामने पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में एक कार वाले ने सामने वाली पूरी फैमिली को कार से रौंदने की कोशिश की, जिसमें एक शख्स हलाक हुआ तो
28 साल नौजवान हलाक हुआ तो उसकी उसके साथ मौजूद उसकी माँ और उसकी बहन जख्मी हुए हैं। और ये पड़ोसी ने ये काम किया है। गुरुग्राम में पार्किंग को लेकर के ये मामला पेश आया तो झगड़े शुरू हुए, बल्कि उसकी माँ और उसका भाई जख्मी हैं और एक शख्स हलाक हुआ है। संडे नाइट ये पेश आया हुआ मामला है जो इस वक्त सुर्खियों में आ रही है। ऋषभ जसोजा जो अपने काम से लौट रहा था, उसने जो है अपने घर के बाहर पार्क किया गाड़ी को, तो मनोज भारद्वाज जो सेक्टर 49 का मुकीम है, उसने जो है उसके साथ गाड़ी की पार्किंग को लेकर के जो है सवाल करना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, लफ्जी झड़प शुरू हुआ, और घर के सामने ही चूंकि हो रहा था तो उसके भाई और उसकी माँ भी सामने आ गई। गुस्से में आया हुआ शख्स अपने कार में बैठा, उन तीनों पर कार चढ़ा दी है। अब पुलिस इस मामले को दर्ज करके जो है सिलसिले में तहकीक कर रही है और खातियों को गिरफ्तार करने की कोशिश। ये सूरत हाल है नाज़ने गिरामी, इंटॉलरेंस का भी और बर्दाश्त और किस तरह से जो है चीज़ें सामने आती हैं। नाज़ने मुत्तहिदा अरब इमारात से खबर आ रही है कि माहौलियाती माहिरीन को खुशखबरी सुनाते हुए ब्लू वीज़े का ऐलान कर दिया गया है। बैन अल-अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बतौर इनाम ब्लू वीज़ा 10 साल का रिहायशी वीज़ा होगा। इमारती नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने सोशल मीडिया पर ब्लू वीज़े के इजरा का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब से इकदाम मशरिक़ वस्ती में गैर मामूली व गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीलियों के बाद किया गया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत सेहत ने उमरा और हज पर जाने वालों के लिए खास हिदायत जारी करते हुए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया है। तो नाज़रीन ग्रामी, टूरिस्ट को लुभाने के लिए, करीब करने के लिए और अपने मुल्क में उसको जो है रिहाइश पजीर होकर के वहाँ पर अलग अलग तरह के अपने बजट के साथ पहुँचने और सयाहत को फ़रोग देने और भी बहुत सारे मकासद के तहत मुत्तहिदा अरब इमारात जो है अलग अलग तरह की जो है प्लानिंग बनाते रहता है और इसी में से रिहायशी वीज़ा इस वक्त मुतारिफ़ कराने की बात सामने आ रही है। इधर गज़ा समेत दीगर महाज़ों पर इसराइल को फ़ौजियों की शदीद कमी से मुतालिक एक इंकशाफ सामने आया है और ये ज़ालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों की सबसे बड़ी बर्बादी हुई है इस जंग में, आप कह सकते हैं इस खबर को सुनने के बाद, इसलिए कि खुद इसराइल और उसके फौजी तर्जुमान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस वक्त जो जंग हमास के साथ जारी है इसमें उसका सबसे बड़ा जानी नुकसान हुआ है, यानी बहुत बड़ी तादाद में सहयूनी फौजियों को जहन्नम वासिल किया गया है, जिसकी वजह से अब जो है दीगर मुख्तलिफ इलाकों से या कुछ मखसूस तंजीमों से वाबस्ता अफराद को फौज में शामिल करने की हुकूमत सोच रही है। ये कोई बैरूनी जो है वजाहत नहीं है या बैरूनी सतह पर शाई हुई खबर नहीं है, बल्कि इसराइल की जानिब से अंदरूनी सतह पर आई हुई खबरें हैं जिसको इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बड़ी बड़ी सुर्खियों में दे रहा है। फिलिस्तीनी मुजाहमतकारों के खिलाफ जंग ने इसराइली अफवाज में फौजियों की कमी पैदा कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक गज़ा समेत दीगर महाज़ों पर फिलिस्तीनी मुजाहमतकारों के खिलाफ जंग में इसराइली अफवाज को कई दहाइयों बाद बदतरीन हलाकतों का सामना और फौजियों की शदीद कमी के मसले से नबरद आजमाई करना पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हुकूमत की जानिब से फौजियों की कमी के मसले से निमटने के लिए अल्ट्रा आर्थोडॉक्स यहूदियों को फौज में शामिल करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू यहूदी फ़िरके हरदेम को फौज में शामिल करने पर बज़िद हैं, ताहम अल्ट्रा आर्थोडॉक्स यहूदियों के हरदेम फ़िरके के लोग इसराइली फ़ौज में शामिल होने से इनकारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने फौजियों की कमी से मुतालिक मुतनाज़ा बिल पेश करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद इसराइली हुकूमत के मनसूबे ने इक़दामत पसंद यहूदियों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है यहूदिये में एक बहुत बड़ा फ़िरका ऐसा है जो है सहनियों को नहीं मानता, यानी इसराइल का जो वजूद है इस वक्त फिलिस्तीन में उसको नहीं मानता, वो मुसलमानों का सपोर्ट करता है, फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करता है। इसके दरमियान में हमने कई सारी जो है बहुत सारे एहतजाजी चीज़ें दिखाई थी आप लोगों को, बिलखसूस रिब्बी के शक्ल में होने वाला और अपने सर पर लंबी पगड़ियाँ वगैरह बांध करके, लंबी टोपियाँ लगा करके, हाथ में तस्बीह लिए हुए ब्लैक लिबास में जो लोग होते हैं इनको क़दामत पसंद यहूदी कहा जाता है,
और ये जो है इसराइल को और सहूनियत को नहीं मानते। अब इनको भी शामिल करने के लिए जालिम दहशतगर्द इसराइली हुकूमत इस वक्त बजिद है और नेतन्याहू जो दरिंदा है इस वक्त वो कोशिश कर रहा है। ये खबरें खुद इसराइली अखबार में इस वक्त सामने आ रही हैं। क़दामत पसंद यहूदी हरदेम इसराइल की आबादी का 13% है। हरदेम फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करते हैं और क़दामत पसंद यहूदी फ़िरके हरदेम की आबादी अगले 10 साल में इसराइल की आबादी का 20% हो जाएगी। ये लोग ख़ानदानी मनसूबाबंदी के भी मुखालिफ हैं और इसके अलावा इसराइल के हर शहरी को कम अज़ कम 2 साल फौजी ड्यूटी अंजाम देनी होती है। इसराइली मर्द ख़वातीन को आमतौर पर 18 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद इसराइली मर्द 32 माह और ख़वातीन 24 माह की फौजी ड्यूटी करते हैं। ताहम इसराइली हरदेम आबादी फ़ौज में शमूलियत से हमेशा इनकार करती रही है, वो इसराइल की फ़ौज में शामिल नहीं होती। क़दामत पसंद यहूदियों के फ़ौज में शमूलियत के इनकार से इसराइली मुतवस्सित और सेकुलर यहूदियों पर दिफा के लिए खिदमत अंजाम देने का दबाव इस वक्त बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसे भी इस वक्त जो वज़ीर दिफा है गैलेंट और नेतन्याहू के दरमियान में ज़बरदस्त कशमकश और खाना जंगी चल रही है। इस दरमियान में इस तरह से क़दामत पसंद यहूदियों को जबरन जो है फौजियों में शामिल करने की इस मामले ने भी जो है इस वक्त यहूदियों में बिलखुसूस इसराइल में जो है खाना जंगी की एक बहुत बड़ी सूरत पैदा हो गई है। इस तरह के तबसरे इस वक्त खुद इसराइली अखबार भी छाप रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये सुर्खियाँ आ रही हैं। उधर नाज़रीन ग्रामी सऊदी अरब में गदागरों को खैरात ना देने की हिदायत जारी करने की खबरें सामने आई हैं। सऊदी अरब में वज़ारत हज उमरा की जानिब से आज़मीन हज को गदागरों को खैरात ना देने की हिदायत जारी की गई। सऊदी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ इदारे मौसम हज के दौरान पेशावर भिखारियों को भीख मांगने के लिए ख़ास तौर पर मक्का और मदीना मुनव्वरा लाते हैं, उनके ज़रिए से पैसा कमाते हैं। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया है और आज़मीन के लिए इस हवाले से हिदायत जारी की गई है कि वह गदागरों को सदका खैरात ना दें। वज़ारत ने आज़मीन को हिदायत की कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक गदागरी काबिल सज़ा संगीन जुर्म है, जिसके इंसदाद के लिए खुसूसी इदारे काम कर रहे हैं। हरमैन शरीफ़ैन के करीब और आज़मीन हज की गुजरगाहों में कुछ अफराद गदागरी करते नज़र आ सकते हैं और नज़र आते भी आप लोग जानते हैं जो उम्रा वगैरह जाते हैं। ये लोग मोहताज नहीं बल्कि पेशावर हैं, जिनका काम आज़मीन हज को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरना है। ये जो है यहाँ की हुकूमत की जानिब से कहा गया है और ये हकीकत है नाज़रीन गिरामी। इधर बीजेपी महाराष्ट्र में गंदी सियासत कर रही है कहते हुए आदित्य ठाकरे ने अपना बयान जारी किया है। एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने सेमा आंध्रे को शिवसेना ठाकरे में शामिल किए जाने पर तनकीद करते हुए कहा कि शिवसेना के सरबराह बालासाहेब ठाकरे पर तनकीद की थी और अब उन्हीं की पार्टी में शामिल किया गया है। इसका जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत ही गंदी सियासत कर रही है, लेकिन आवाम उसको ज़रूर जो है जवाब देगी। नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि आज स्लोवाकिया से ख़बर आई है कि यहाँ पर वज़ीर आज़म रॉबर्ट फेको पर जो है गोलियाँ चलाई गई हैं, जिनकी हालत इस वक्त जो है नाजुक बनी हुई है, उनकी सर्जरी की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रॉबर्ट कालंक ने इस बात की इतलात फराहम की। वज़ीर दाखिला मातास सोताज एस्टोक के मुताबिक हमले को कत्ल के तौर पर दर्जाबंद किया गया, जिसमें बंदूक बरदार ने 5 गोलियाँ चलाईं। उन्होंने कहा कि हमला सियासी तौर पर मुहर्रिक था। दारुलहुकूमत से तकरीबन 150 किलोमीटर शिमाल मशरक में हैंडलोवा शहर में एक सरकारी इजलास में शिरकत के बाद फेकू बुध की सहपहर को जख्मी हो गए। 71 साल मुश्तबा शख्स के मौके पर ही हिरासत में लिया गया। पुलिस ने हैंडलोवा में कल्चर हाउस के सामने वाले इलाके को सील भी कर दिया था। फेकू को गोली लगने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बंसा बस्ट्रेका के एक अस्पताल ले जाया गया। शूटिंग के बाद स्लोवाकिया और गैर मुल्की सियासतदानों ने इस हमले की मजम्मत की है। जाहिर सी बात है नाज़रीन में हमलावर ने बराह रास्त जो है एक मुल्क के वज़ीर आज़म पर यह गोलियाँ चलवाई थी। बहरहाल नाज़रीन में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये
चैन हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।